जय हिंद साथियों, मैं के नेहरा फ्रॉम राजस्थान, देश की आवाज़, वीरों की भूमि, पधारो हमारे देश। आप सभी साथियों का वेलकम। और आप सभी जानते हैं कि पिछले 3 महीने से जो है हमारे एसएससी जीडी 2018 के युवा नितिन गडकरी जी के घर के बाहर जो है आंदोलन कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक पर थे, लेकिन नेताजी को जो है ये ध्यान में नहीं आया और एक बार भी जो है उनसे मिलने नहीं पहुँचे। आज मुझे किसी भाई ने कहा कि नितिन गडकरी जी को जो है जन्मदिन की बधाइयां दे दो भाई। तो ऐसे नेता को जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिन नेताओं को युवाओं का दर्द दिखाई नहीं देता, जिन नेताओं को गरीबों का दर्द दिखाई नहीं देता, जिन नेताओं को किसानों का दर्द दिखाई नहीं देता है, ऐसे नेताओं को हार्दिक बधाई नहीं दी जाती है, बल्कि ऐसे नेताओं को चप्पल मारी जाती है, जूते मारे जाते हैं। क्योंकि जिन युवाओं की बदौलत आज वो इस कुर्सी पे बैठे हैं, उन्हीं युवाओं की अवहेलना करना, उन्हीं युवाओं को इस तरह से परेशान करना और उनकी जो बात है वो भी जो है अपने जो गृह मंत्री हैं उन तक ना पहुंचाना, कहीं ना कहीं ये युवाओं के साथ अन्याय है। युवा आखिर क्या चाहते थे? युवा यही तो चाहते थे कि जो है नितिन गडकरी जी हमारा सपोर्ट करें। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप सभी साथियों को बता दूँ कि 30 तारीख से जो है हमारे सभी युवा साथी एसएससी जीडी 2018 के पैदल मार्च करेंगे भाई, फुट मार्च करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी साथी जो है उसमें सहयोग करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो मुद्दा है वो हाईलाइट है। और देखिए, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो भाई हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, मैं ये बात मानता हूँ भाई। पिछले कई महीनों से जो है मैं उनके साथ नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनसे दूर हूं। आज भी मैं उनके साथ हूं और जब भी वो दिल्ली आएंगे के नेहरा हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। साथियों, उनका पैदल मार्च मैं चाहता हूं कि सफल हो। तो आप सभी साथी जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करें, और जो भाई उनके साथ पैदल मार्च में हिस्सा ले सकते हैं वो भाई उनके साथ जो है हिस्सा लें, और इस पैदल मार्च को जो है किसी भी तरीके से जो है आप सफल बनाएं। साथियों, आने वाले टाइम में मेरा नहीं बल्कि हमारा उद्देश्य है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है एसएससी जीडी 2018 के युवाओं के लिए किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी जो है जायज नहीं है। जिस तरह से नित्यानंद राय ने जो कहा कि हमने जो है आपकी भर्ती जो है 2021 में जो है ऐड कर दी, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इफेक्टेड जो है 2018 के जब विद्यार्थी हुए हैं तो फिर 21 को क्यों करी आपने? ये सीधा सीधा सवाल है। तो हमारे पास बिल्कुल जो है एक पॉइंट है कि 62,000 वैकेंसी थी, 54,000 आपने फिलअप करी। आप कहते हो कि 8,000 हमने आगे ऐड कर दी। दूसरा, लगभग 10,000 लोगों ने ज्वाइन नहीं करा, तो कुल मिला के जो है 18,000 से 20,000 एक लिस्ट और निकलनी चाहिए। ये बिल्कुल हमारा जो है लीगल पॉइंट है। जब 10th और 12th के स्टूडेंट्स को बिना एग्ज़ाम दिए पास कर दिया जाता है, कोरोना में बहुत से हर एक सेक्टर में जो है रियायत दी जाती है, तो फिर एसएससी जीडी युवाओं के साथ ऐसी कौन सी आपकी दुश्मनी है जो इस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाएगा? तो साथियों, ये सवाल जो है हम सब मिल के उठाएँगे, और पीछे हटने वाले नहीं है भाई। एक बार फिर से जो है खड़े होंगे और फिर से लड़ेंगे साथियों। और मैं आप सभी साथियों को बता दूं, जो भी डेट फिक्स हो, आप सभी साथी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाई दिल्ली पहुंचना, क्योंकि ये आंदोलन तभी सक्सेस होगा, ये आंदोलन तभी सफल होगा जब आप सभी आएंगे। और इस बार बहुत सी पार्टियाँ आपके सपोर्ट में आएंगी, इतना मैं बता देता हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सी पार्टियाँ आपके सपोर्ट में रहेंगी। लेकिन सबसे ज़रूरी है आपकी संख्या, सबसे ज़रूरी है आप खुद जो है अपने पैरों पे मजबूत हो। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं, और अभी जो पैदल मार्च है उसमें आप सपोर्ट करें। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।